हाय फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। सो फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ एक रेसिपी शेयर कर रही हूँ। जी हाँ, एक सब्ज़ी है, उसकी रेसिपी शेयर कर रही हूँ आपके साथ, जिसे आप तुरई, घोसाली या शिरोली भी कह सकते हो। तो यहाँ पर बहुत इजी और सिंपल रेसिपी आपके साथ शेयर कर रही हूँ। मसालों में लिया है मैंने मिर्ची, कोथमीर, थोड़ा सा ज़ीरा, लहसुन और थोड़ा सा नारियल का टुकड़ा, जिसे खोपरा कहेंगे, वो लिया है। उसको पीस लो मिक्सर में। ये है हमारे वो क्या कहेंगे, घोसाली, जिसके छिलके मैंने उतार लिए और उसको बारीक बारीक कट कर लिया है। तो यहाँ पर मैंने एक कढ़ाई में थोड़ा सा ऑयल ऐड करूँगी, जितना आप ऑयल लेना चाहते हो उतना ले लिए। मुझे सब्ज़ी में थोड़ा ज़्यादा ही ऑयल लगता है, तो वो ले लिया मैंने। सिंपल ज़ीरा और कड़ी पत्ता मुझे हर सब्ज़ी में लगता ही है पहले तड़के में, इसलिए मैं वो ऐड करूँगी। थोड़ा दो कांदे लिए हैं, अनियन हमारे दो लिए हैं, मीडियम साइज चॉप किया है, उसे चॉप कट किया है, तो वो लिया है। कांदे की क्वांटिटी आप अपने हिसाब से रखिए, किसी किसी को कांदा ज़्यादा लगता है, मैंने दो लिया है मीडियम साइज़ के। तो अच्छे से भून ले कांदे को, अच्छे से भूनना है, मीन्स थोड़ी सी सॉफ्ट पिंक कलर करना है। तो वही जो मसाला मैंने आपको बताया था पीसने के लिए, खोपरा वगैरह, उसे पीस लिया है। इसको हल्का सुनहरी होने तक, देखो जैसे देख सकते हो आप, वैसे करना है। प्याज को ज़्यादातर भाजियों में हमको प्याज सॉफ्ट ही करनी होती है, ऐसी ज़्यादा ब्राउन वगैरह तो करनी होती नहीं है, जैसे नॉनवेज को लगती है। तो वही सिंपल अभी मसाला ऐड करूँगी, जो पीस लिया था आपको बताया था, कोथमीर, मिर्ची, ज़ीरा। ज़ीरा थोड़ा ही लेना नाम के लिए, सिर्फ बस उतना ही लेना है हमें। तो अच्छे से इसे चला लें। और तो गाइस, कहोगे आप कि हर सब्ज़ी में आप खोपरा ऐड करते? नहीं, कोई कोई सब्ज़ी में ऐड करती हूँ, हर किसी में ऐड नहीं करती हूँ। दो मिनट इसको ढक के रख दिया था ताकि हमारा खोपरा अच्छे से भून जाए। तो आप इसे खुला रख के भी चला सकते हो, लेकिन साथ साथ मैं दूसरे भी काम कर रही थी, तो आप ढक के ही चला लो। देखो साइड से तेल साइड में हो चुका है, इसका मतलब हमारा खोपरा अच्छे से भून चुका है। तो मैं इसमें ऐड करूँगी थोड़ा सा धनिया पाउडर, थोड़ा सा होममेड गरम मसाला पाउडर है, थोड़ा सा ऐड करिए, अच्छा टेस्ट आता है। तो गाइस, इसमें आप थोड़ी सी लाल मिर्च पाउडर रहती है वो भी ऐड कर सकते हो, लेकिन मुझे सब्ज़ी ये हरी अच्छी लगती है। तो फाइनल में इसमें ये जो हमारी घोसाली की सब्ज़ी है वो ऐड करूँगी। घोसाली की जो सब्ज़ी है गाइस, उसके मैंने ऊपर से जो आलू छिलने वाला होता है उससे पूरे छिलके उतार लिए। कोई कोई ऐसे होता है कि घस घस के उतारते, लेकिन मैंने पूरे ऐसे छिलके उतार लिए ऐसे। अब मैं इसमें ऐड करूँगी हल्दी। हल्दी आप जब मसाले ऐड कर रहे हो तब भी ऐड कर सकते हो, लेकिन मुझे जब जब जो याद आता है मैं ऐड करती जाती हूँ। तो ये घर के लिए बना रही हूँ, वैसी रेसिपी शूट कर लेती हूँ गाइस, क्योंकि पर्सनल कोई रेसिपी शूट करने मुझे टाइम नहीं मिलता है। तो अब मैं इसमें ऐड किया मैंने नमक। नमक आप देख सकते हो, मैंने नमक आपके स्वाद के अनुसार नमक ऐड कर दीजिए। तो इसके दो मिनट इसको ढक के रख दिया था। तो देखिए, मैंने इसमें कोई पानी ऐड नहीं किया, वो सब्ज़ी में पानी जो होता है वो पानी साइड ये हो चुका है, उसका पानी छूट चुका है। तो अभी मैं इसमें ऐड करूँगी टमाटर। टमाटर आप लाजमी डालें उसमें, क्योंकि टमाटर का अच्छा टेस्ट आता है। अब अभी आप कहोगे कि बहुत सब्ज़ी पानी पानी है, क्योंकि अभी हमको इसको सुखाना है। ये सब्ज़ी तो ऑलरेडी गल चुकी है 5-7 मिनट में। अब मैंने इसे को 10 या 12 मिनट रखा था, देखो सब्ज़ी का कलर चेंज हो चुका है, पूरा पानी सूख चुका है इसका, देखो। और गाइज़, ये सब्ज़ी को थोड़ा सा सूखा ही बनाइए तो ही ज़्यादा अच्छा टेस्ट आता है। वैसे बनाने वाले तो थोड़ा सा ग्रेवी टाइप भी बनाते हैं, लेकिन हमको सूखा ही पसंद आता है, रोटी कोई भी खिचड़ी वगैरह के साथ में, तो मैंने सूखा ही बनाया था। अभी धनिया मैं इसमें ऐड करूँगी, कुछ धनिया के पत्ते देख सकते हो आप, थोड़ा 5 मिनट तक इसको ऐसी मीडियम टू लो फ्लेम पे ढक के रख दूँगी। आप तो ऐसी टाइम पे गैस बंद कर सकते हो, क्योंकि हमारी सब्ज़ी तो हो ही चुकी है लगभग। तो ये देख सकते हो आप इसका फाइनल लुक। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आती है तो गाइस लाइक ज़रूर कर दिया करें। बहुत ईजी और सिंपल रेसिपी आजकल आपके साथ मैं शेयर कर रही हूँ, देख सकते हो कितने ठीक रखा है मैंने। तो ये तो पूरी मैश हो चुकी है गाइस, लेकिन टेस्ट इसका ऑसम आता है, थोड़ी सी मीठी मीठी लगती है ना, तो ये सब्ज़ी अच्छी लगती है। तो मैंने इसको पूरा ऐसी सूखा ही दिया था और 5 मिनट रख कर, देख सकते हो ये आप, बस इसको हो गई है हमारी ये। अब मैं आपको सर्व करके बताती हूँ, देखिए बहुत टेस्टी लगती है सब्ज़ी, कोई भी गेहूँ की रोटी वगैरह के साथ में ज़्यादा अच्छी लगती है। तो गाइस, आपको अगर मेरी रेसिपी पसंद आती होंगी तो लाइक ज़रूर करिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी, देख सकते हो बहुत यम्मी बहुत अच्छी बनती है सब्ज़ी, एक बार आप ज़रूर ट्राई करिएगा। ट्राई करके मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आपने ट्राई की और आपकी रेसिपी कैसी बनी, तो अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक, शेयर, कमेंट
और आखिर में वही कहूँगी, मेरे चैनल को सब्सक्राइब। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में बहुत अच्छी एक सिंपल और इजी रेसिपी के साथ। तब तक के लिए दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।